दिल्ली को एक बार फिर और एक और महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। 10 साल बाद आतिशी के रूप में दिल्ली को महिला सीएम मिलने वाली है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों की सर्वसम्मति से आतिशी के नाम पर मोहर लगा दी। कौन है आतिशी मार्लेना जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? रिपोर्ट से पता चला कि उनके पिता ने मार्क्स और लेनिन के अक्षरों को मिलाकर उनका नाम आतिशी मार्लेना रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान आतिशी ने इस चिंता के कारण अपने नाम से मार्लेना शब्द हटा दिया। इससे ऐसा लगता है कि वह ईसाई धर्म से हैं। हालांकि पंजाबी राजपूत परिवार से आने वाली आतिशी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नाम सिर्फ आतिशी लिखती हैं। 1981 में जन्मी आतिशी एक मजबूत एजुकेशन बैकग्राउंड वाली दिल्ली की मूल निवासी हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई की और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा हासिल की। अपने राजनीतिक सफर से पहले आतिशी आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। आतिशी 2013 में आप में शामिल हुई और पॉलिसी मेकर में अहम भूमिका निभाई। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार चुना गया था। हालांकि वह बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोट के अंतर से हार गई। इसके बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। आतिशी ने पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद गोवा इकाई का नेतृत्व करना भी शामिल है। 43 साल की आतिशी को दिल्ली सरकार के भीतर शिक्षा, वित्त, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और सेवाओं जैसे अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी वजह से उन्हें केजरीवाल काफ़ी नज़दीक माना जाता है। पिछले साल जून में एक फेरबदल के बाद आतिशी को 14 विभाग सौंपे गए थे जो आपके किसी भी मंत्री के लिए सबसे ज़्यादा है। इस अहम बंटवारे ने उन्हें केजरीवाल के मंत्रिमंडल में दूसरा नंबर का नेता बना दिया था जिससे पार्टी और सरकार के भीतर उनके बढ़ते प्रभाव और जिम्मेदारियों के बारे में साफ पता चलता है। कालकाजी से विधायक और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की संपत्ति के सदस्य के रूप में काम करते हुए उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं।